अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने कहा कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की उनकी मांग काफी समय से चली आ रही है। जहां तक बात भाजपा नेताओं की है तो उन्हें पब्लिक पंचायत करने से पहले अपने घर में पंचायत कर निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा रालोद मुखिया ने कहा कि एनडीए के घटकों से भी पूछा जाना चाहिए कि भाजपा सभी को बराबर प्रतिनिधित्व देगी, सभी घटकों की अपनी नीति व समीकरण होते हैं। राष्ट्रीय लोकदल मुखिया जयंत चौधरी आज एशियन गेम्स में पदक लेकर आई किरण बालियान के एकता नगर स्थित घर उन्हें सम्मानित करने पहुंचे थे। जयंत चौधरी ने कहा कि जिनके पदक खिलाड़ी लाए हैं उसका 50% तो मेरठ के खिलाड़ी लाए हैं। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि मेरठ उत्तर भारत के खेल जगत की राजधानी बनेगा। जयंत चौधरी खिलाड़ी अन्नू रानी व पारुल के घर भी पहुंचे थे। एकता नगर में आयोजित सम्मान समारोह में खिलाड़ी किरण बालियान ने ये कहा, मैं आज चौधरी जी का धन्यवाद करती हूँ यहाँ पे आए मुझे सम्मानित करने। मेरा बहुत मन था इनसे मिलने के लिए, देखना चाहती हूँ चौधरी जी कैसी होती है। तो मैं ये देखना चाहती थी कि ये आते हैं सब लोग कितना एक्साइटेड होते हैं चौधरी जी को देखने के लिए। आज ये आए मुझे बहुत बढ़िया लगा और मेरा मेडल आया। यो मेरा मेडल नहीं, देखो सबका मेडल है, हमारी बरादरी का सबका मेडल है जी। यो मेरा अकेले का मेडल नहीं है। और मैं ये चाहूंगी चौधरी जी से थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो आगे आने वाली जो जनरेशन है हमारी बहुत अच्छी कर सकती है स्पोर्ट्स में जी। वहीं इस मौके पर रालोद मुखिया जयंत चौधरी का यह कहना था, जो भी आपकी उम्मीद होंगी क्योंकि हम चाहते हैं कि किरण जी से और लोग प्रेरणा लें। खेल के लिए मैंने तय किया हुआ है कि जो मेरी सांसद निधि है 100% उसके विकास में लगा रहा हूँ। मुजफ्फरनगर के साटू गांव में एक ग्रीन फील्ड स्टेडियम का निर्माण है, अभी 87 लाख रुपए वहाँ दिए हैं। बड़ौत में मेरी इच्छा है कि वहाँ रनिंग ट्रैक बन जाए, जो बहुत पुरानी संस्था हमारी शिक्षण संस्था सबसे बड़ी शिक्षण संस्था उस क्षेत्र में है, इसका बहुत बड़ा योगदान। और हजारों बच्चे वहाँ आर्मी के लिए वैसे ट्रेनिंग के लिए स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, तो उस लेवल का हम वहाँ बनाएंगे रनिंग ट्रैक के आगे जाके प्रतियोगिताएं भी वहाँ हो सके। मेरठ में कैलाश प्रकाश स्टेडियम है, मेरठ के जिला एथलेटिक एसोसिएशन को भी मैं बधाई देता हूँ क्योंकि उसमें कई पूर्व खिलाड़ी हैं जो उस प्रशासनिक कार्य को देख रहे हैं और उन्होंने अच्छा काम ये किया, उन्होंने पहल ली, वरना सरकार के साथ ही काम करती है। मेरठ डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन ने पहल करके प्राइवेट जो चला रहे हैं अकेडमी चला रहे हैं उनके साथ उन्होंने समन्वय बनाया, उनकी मदद की। और मैं पढ़ रहा था कहीं कि लगभग 600-700 खिलाड़ी उन अकेडमीज में जो अफिलिएटेड है जिला एसोसिएशन के साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अब 600-700 खिलाड़ी एक स्तर के अगर विकसित हो रहे हैं मेरठ में, तो आज हमने 3 मेडल जीते 4 जीते 5 जीते कोई कारण नहीं है कि 107 जो मेडल जीत रहे हैं उसमें 50 मेडल अकेला मेरठ। पत्रकारों से वार्ता करते हुए जयंत चौधरी ने यह कहा, इस परिवार से मैंने बातचीत की, मुझे महसूस हुआ यार भैया आज उत्तर प्रदेश श्रीपाल भाई थोड़ी वो चाहता है कि यार को और उपलब्ध करने के लिए मुझ जैसे लोगों का ध्यान जाना चाहिए जो नीति निर्धारक हैं, जो आज स्थिति में हैं, जो कुछ कर सकते हैं। हम लोगों का पूरा ख्याल जाना चाहिए कि कैसे आगे और खिलाड़ी पैदा हो, क्योंकि जो नौजवान खेल की तरफ आकर्षित होता है वो सही रास्ते पर चल पड़ता है। इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, गाँव में कोई पर कहां ले जाऊं यार, तंगी है, इतनी समस्याएं हैं, उससे हर नौजवान को जूझना है। हम नहीं चाहते कि नौजवान डिप्रेशन में जाए, फ्रस्ट्रेशन में जाए, गलत काम करे। तो सबसे बेहतर तालीम, सबसे अच्छी शिक्षा तो खेल से है। कहां कहां जाएंगे आप, कौन कौन से खिलाड़ी के घर जा रहे हैं? इसके बाद एक शहादतपुर में भी प्रोग्राम है। देखो इन कार्यक्रमों में हमारा मैसेज सभी खिलाड़ियों को, ये भी महसूस ना करें जो खिलाड़ी गए एशियाड में नहीं जीत पाए वो आगे और सुधार करेंगे और जीते। जैन जी लगातार यहाँ मेरठ में एक चीज देखने को मिल रही है, वेस्ट संजीव बालियान कह रहे हैं वेस्ट यूपी अलग हो, संगीत सोम कह रहे हैं कि इसको दिल्ली में जोड़ना चाहिए, क्या ये राजनीतिक हिस्सा है, क्या कहना है इसमें आपका? पब्लिक की पंचायत न करके पहले अपने घर में पंचायत बैठक करके तय कर लें क्या करना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल का क्या कहना है इस मामले में?
हमारा तो कहना पहले से ही रहा, सरकार इनकी है, ये सारे जनप्रतिनिधि इनके हैं, यही बातें कह के जीत के आए थे। 10 साल बाद अब हिसाब में देना चाह रहे, दोबारा चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ना छेड़ो, अब काम करने का टाइम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की लड़ाई सामने आई है, वहाँ बहुत सारे समाजवादी पार्टी ने पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एनडीए का साथ कैसे चलेगा, इंडिया का साथ कैसे चलेगा? एनडीए के घटक दलों को भी पूछो जो राजस्थान में भी चुनाव लड़ेंगे, क्या बीजेपी उनको सीट देगी? दुष्यंत चौटाला उनके सरकार में शामिल है हरियाणा में, क्या राजस्थान में बीजेपी उनको स्पेस दे रही है? हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी लड़ाई होती है, अपने वर्चस्व की भी लड़ाई, अपने मुद्दों पे भी लड़ाई है, लेकिन इंडिया के जितने घटक दल हैं, कम से कम देश के लिए, राष्ट्र के बड़े मुद्दों पे हमें तो पार्टी ना कोई राजनीति, आज तो हम जो है खेल की उपलब्धि, गठबंधन में किसके साथ जाएंगे गिनाने के लिए, हम जो गौरव महसूस कर रहे हैं उसे व्यक्त करने के लिए और इनकी जीत की खुशी की मिठाई खाने के लिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .टी।